नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द बीस का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए यहाँ पे नंबर वन क्या है, मैच द प्रोफेशंस विथ द फील्ड ऑफ वर्क। इसमें देखिए फर्स्ट वन है चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पर आएगा एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मजिस्ट्रेट में आएगा लॉ, सोल्जर्स का डिफेंस, ट्रेडर का बिजनेस, एंड बिल्डर का कंस्ट्रक्शन, ड्राइवर का ट्रांसपोर्ट, एंड टीचर का एजुकेशन। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड क्या है, लिविंग क्रिएचर्स बर्ड्स एनिमल्स इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर ऑफन यूज्ड इन एज अ कंपेरिजन बिकॉज ऑफ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दे होल्ड। फिल इन द गैप्स चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू मेक अप्रोप्रिएट कंपेरिजन्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दिया है ना, देखिए जैसे कंपेरिजन करना रहता है, कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं ना एज टॉल एज जिराफ, मतलब जिराफ के जैसा टॉल। तो यहाँ पे हमने किससे कंपैरिजन किया, उस जिराफ से क्या किया, कंपैरिजन कर रहे हैं ना। जैसे कोई आदमी है समझो बहुत बड़ा लंबा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, अगर हमें कंपैरिजन करना है तो अरे वो तो जिराफ के जैसा लंबा था, ऐसा हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एज का, एज का, एज टॉल एज जिराफ। तो यहाँ पे एज का यूज़ हुआ ना, एज और एज का, तो वैसे यहाँ पे ये सब भी क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे गैप्स दिए हुए हैं और फिर एज एज करके लिखा हुआ है, तो आपको इसमें फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने फिल किया, इसमें आएगा मैरी, इसमें आएगा स्लो, इसमें आएगा टॉल, फिर इसमें बिजी, एज बिग एज एन एलिफेंट, फिर यहाँ पे क्वाइट, स्लीपरी, स्लाई, हम्बल, फास्ट। ओके, तो देख लीजिए आप इसको अच्छे से। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर वन, हनी बीज लिव एन ऑर्गेनाइज लाइफ लाइक ह्यूमन बींग्स, डिस्कस व्हाट वर्क द फॉलोइंग हनी बीज डू एज पर द पोएम, राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक। तो देखिए यहाँ पर ए है किंग, एम्परर बी, तो इसमें हमने क्या लिखा है, द किंग एम्परर बी इज इन हिज रॉयल टेंट वेरी एंग्रोज इन चेकिंग टू सी इफ द अदर बीज आर वेल ऑर्गेनाइज एंड डूइंग देयर वर्क एज इट शुड बी डन, ही सुपरवाइजेज द बिल्डिंग ऑफ द बी हाइव। बी है यहाँ पर मजिस्ट्रेट बी, तो मजिस्ट्रेट बीज सीज टू इट दैट थिंग्स आर करेक्टली डन एट होम विच मीन्स द हाइव। फिर यहाँ पर सी मर्चेंट बीज, तो ये क्या करते हैं, मर्चेंट बीज वेंचर आउट टू ट्रेड अब्रॉड विथ देयर हनी गुड्स। डी यहाँ पर सोल्जर्स बीज, तो ये क्या करते हैं, सोल्जर्स बीज आर आर्म्ड विथ देयर स्टिंग्स, दे बिगिन टू कलेक्ट फ्रॉम द समर बर्ड्स लूट्स द फ्लावर्स एंड कम होम विथ व्हाट दे हैव कलेक्टेड। फिर यहाँ पर ये मेसोन बीज, ये क्या करते थे, मेसोन बीज सिंग अलोंग एज दे बिल्ड देयर रूफ्स ऑफ गोल्ड। एफ सिविलियन बीज, तो ये क्या करते हैं, दीज बीज आर सिविल सिटीजन्स, दे नीड अप द हनी विच मीन्स मिक्स अप द हनी वेरी वेल। जी यहाँ पर पोर्टर बीज, तो ये करते हैं, द पोर्टर बीज क्राउड इन विथ देयर हैवी बर्डन ट्राइंग टू गेट इन टू द नैरो गेट ऑफ द हाइव। फिर यहाँ पर एच जज भी, ये क्या करते हैं, द जज और जस्टिस हैज सेड आईज एंड श्योरली हम, ही डिलीवर्स द लेजी यावनिंग ड्रॉन्स ओवर टू द एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें ए है ह्यूमन बींग्स कैन लर्न फ्रॉम हनी बीज हाउ टू लीड एन ऑर्गेनाइज्ड नेशन। बी द सोल्जर्स बीज कैरी होम नेक्टर लूटेड फ्रॉम फ्लावर्स। सी द एम्परर बी सुपरवाइजेज द बिल्डिंग ऑफ द बी हाइव। डी है द मजिस्ट्रेट्स बीज मेक हनी फ्रॉम नेक्टर। एंड यहाँ पर ई है द ड्रोन इज गिवन अ डेथ सेंटेंस बिकॉज ही डज नॉट डू एनी वर्क। अब यहाँ पर थर्ड, इसमें ए क्या है, कंप्लीट द फ्रेजेज यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो इसमें मैरी मार्च होएगा, ठीक है, आप देख सकते हो पूरा मैंने फिल करके रखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर बी है, इसमें नंबर वन क्या दिया है, फाइंड एनी टू एलिट्रेटिव लाइन्स। तो देखिए यहाँ पर हमने दो लाइन्स लिखी हुई है, पहला कौन सा है, द सिविल सिटीजन्स नीडिंग अप द हनी, सेकेंड विच पिलेज दे विथ मैरी मार्च ब्रिंग होम, सेकेंड पिक आउट द लाइन दैट कंटेन्स एज एन ओनोमोटोपोएटिक वर्ड।
तो इसका आंसर देखिए हमने लिखा है द सेड आइड जस्टिस विद हिज ओनली हम। फिर यहाँ पर सी पिक आउट थ्री लाइन्स दे क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड ऑफ बीज बिजी एट वर्क। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इसमें नंबर वन द सिविल सिटीजन्स नीडिंग ऑफ द हनी, सेकेंड क्या है इसमें द पुअर मैकेनिक पोर्टर्स क्राउडिंग इन देयर हैवी बर्डन्स एट हिज नैरो गेट, अदर्स लाइक सोल्जर्स आर्म इन देयर स्टिंग्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इस लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।